अब हम डिस्कस कर लेते हैं काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल एज द नेम शो कि ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेचर ने क्रिएट किए हैं फॉर द ह्यूमंस और जिनको जो है वो ह्यूमंस यूज करते हैं फॉर दर ग्रोथ एंड फॉर दर सर्वाइवल ऑन द अर्थ अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये दो तरह के होते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल री न्यू एबल एज द नेम शो री मीन्स दोबारा न्यू एबल मीन्स के ये दोबारा से जो है ये क्रिएट हो सकते हैं एंड नॉन रिन्यूएबल मीन्स कि ये वो विसोर्स होते हैं जो दोबारा से क्रिएट नहीं हो सकते रिन्यूएबल रिसोर्स क्योंकि दोबारा से क्रिएट हो जाते हैं तो ये मोस्टली इन्वामेंट में कैसे क्रिएट होते हैं बाई सर्टन साइकिल्स जैसे हम लोगों ने पढ़े थे वाटर साइकिल नाइट्रोजन साइकिल कार्बन साइकिल फॉसफोरस साइकिल तो ये जो सारे साइकिल्स होते हैं ये आपके रिन्यूएबल रिसोर्स को जो होता है वो क्विकली रिप्लेस करे होते हैं और इसकी वजह से हमारी अर्थ पे इन रिसोर्स का इनफाइनाइट सोर्स होता है फिर उसके बाद हमारे आ जाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन एज द नेम शो कि ये वो रिसोर्स होते हैं जो कि अपने आप को दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते या अगर ये क्रिएट करते हैं जैसे आपके फॉसल फ्यूल्स ये क्रिएट तो होते हैं लेकिन इनको क्रिएट करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर रिक्वायर्ड होते हैं सो दैट्स वाई इनको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो होता है वो कंसिडर करते हैं और इसमें आपके मेटल्स आ जाते हैं मिनरल्स आ जाते हैं एंड आपके फॉसल फ्यूल्स वगैरह आ जाते हैं तो इस तरह हमारे पास जो होता है ये दोनों रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये मिल के जो है ये आपके अर्थ के अंदर ह्यूमन का सर्वाइवल जो है ये पॉसिबल करे होते हैं थैंक यू